सुबह के 6:30 बज रहे और रात से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब भी राइड के लिए निकलते हैं तभी बारिश का मौसम, सोचा था पीसफुली राइड करेंगे आज पर बारिश। चलो अभी पहले पेट्रोल भर रहे हैं, फिर हम लोग के भाई लोग एज यूजुअल विल बी मीटिंग अस एट फाउंटेन होटल और उसके बाद फिर हमारी राइड शुरू होगी। We are today going at Vaghoba Falls, which is located on the NH-48 near Palghar. कल सैटरडे था, पूरे दिन बारिश नहीं गिरी, धूप थी, अच्छी खासी धूप थी और आज राइड करने के लिए निकले हैं ना, हमें करने ही नहीं देना है राइड, भगवान ऐसे बोलते रहेंगे ऊपर से। हेलो गाइस, मैं हूँ मसल राइडर और ये चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं वाघोबा वाटरफॉल्स विच इज लोकेटेड ऑन दी NH-48 और हम लोग के साथ है अक्षय भाई, अजय भाई, राज भाई एंड अंश भाई, सब भाई भाई लोग हैं, सब भाइयों के साथ राइड करेंगे अब। ना रुकने वाली बारिश और कब ना अच्छे होने वाले रोड, भाई रोड की हालत देखो पूरा उखड़ गया, कब रोड अच्छा करोगे, अबे कब से इतने बड़े पोर्टल्स, अगर गया ना गलती से भी ऐसे ही लग रहा है कि रिम के दो टुकड़े हो जाएंगे भाई, नेक्स्ट लेवल है। मतलब इंडियन रोड्स पे ड्राइविंग कर लो किधर भी चला पाओगे, इधर सब एक्सट्रीम लेवल पे, बारिश एक्सट्रीम, रोड के खड्डे एक्सट्रीम, ट्रैफिक, अरे यार बारिश बस कर जा, ऐसे ही गिरती रहेगी तो निकालना पड़ेगा यार सच में मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, राइड के शुरुआत में ही पूरा गीला कर दिया अंदर से। लो अब बारिश और गड्ढे कम नहीं थे कि ट्रैफिक भी आ गया, रोड बंदर लगता है पूरा भर गए भाई। 7:30 बज गए फाउंटेन होटल पहुँचते, नहीं हमारे भाई लोग नहीं है इधर, अक्षय भाई ने बोला था ब्रिज क्रॉस कर फिर हम लोग रुके होंगे उधर, है किधर हमारे भाई लोग, पीछे तो नहीं होंगे, अरे भाई अक्षय भाई का रेड कोड दिख गया हमें, अरे ट्रैफिक क्या था, अरे वो गोड बंदर में मैं 20 की स्पीड पे और रास्ते में गड्ढे इतने थे ना, स्ट्रीट बाइक वाले रोएंगे और उनको देख के एडवेंचर बाइक वाले हंसेंगे, ऐसे गड्ढे थे। चलो राज भाई, अक्षय भाई, अंश भाई, बस चार लोग। चलो तो फाइनली हमारी राइड अब शुरू होती है, भाई ने एस्पाडा का जैकेट ऊपर पहना और नीचे एकदम क्रॉक्स, भाई का स्वैग अलग है। ट्रकों की लाइन लगा रखी है NH-48 पे, आज हम लोग का क्रूजिंग स्पीड बहुत कम होने वाला है, कम, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग आज, क्योंकि ट्रैफिक और ये बारिश, खराब रोड्स, सब ये लास्ट राइड करूंगा ये बारिश वाली, इसके बाद सीधा बारिश खत्म होने के बाद। चलो भाई अभी अक्षय भाई का डोमिनार, क्या क्या लगा के रखा है भाई ने, भाई का 10,000 किलोमीटर क्रॉस किया, 12,000 भी क्रॉस हो गया और मेरा अभी तक 7,500-8,000 का अटका हूँ, और ये हमारे 3-4 भाई लोग जो है ना वो नवंबर में भूटान जाने वाले हैं, तो हो गया भाई बस।
विंड बफेटिंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू माई डोमिनर, और इसके अंदर मैं टच भी कर सकता हूँ सर। अभी आपको वो विंड का आवाज क्यों सुनाई दे रहा है, मतलब क्योंकि मैंने कैमरा पे प्लास्टिक बांधा है, वजह से ना प्लास्टिक का आवाज रहेगा या फिर बारिश का आवाज रहेगा, बट कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू माय डोमिनार विंड ब्लास्ट कम है ये टूरिंग विंडशील्ड के वजह से। चलो भाई अंश भाई की राम प्यारी। अभी हम बुलेट चला रहे हैं, बुलेट ऐसा लग रहा है घोड़े पे बैठा हूँ, इतनी ऊंची है ये, इसने सीट पे गद्दियाँ डाल डाल के ना सीट इतनी ऊंची कर दी है ना। बुलेट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं एक्चुअली, बुलेट का हाइट इतना नहीं है बट अंश भाई के हाइट को मैच करने के लिए बुलेट का हाइट भी बढ़ा दिया है। भाई मुझे गाली देने वाला है भाई, बुलेट को ऐसे चलाता है क्या भाई? व्यू व्यू नेक्स्ट लेवल व्यू है, ग्रीनरी एंड क्लाउड्स ऑल ओवर। अभी मेरे लेंस के ऊपर कितने क्लाउड्स है वो मुझे पता नहीं ड्यू टू फॉगिंग, बट मुझे बहुत सारे अच्छे क्लाउड्स दिख रहे। जो पूरे टाइम का जो स्ट्रेस था ना, ट्रैफिक, खराब रास्ते, सब एक फटके में दूर। इधर फोटो निकल के ही जाएंगे। अभी जो वागोबा वाटरफॉल्स के पास में जो डैम है ना, वो देखो व्यू देखो, एक नंबर। अगर उसके ऊपर बाइक लेके जाने मिलेगा ना तो और मजा आएगा, दिन सफल हो जाएगा। चलो नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस, ऑलरेडी 10:30 AM इन द मॉर्निंग। अभी किधर तो खाने के लिए रुकेंगे, फिर वी विल लीव टूवर्ड्स आवर होम, क्योंकि बहुत लंबा जाना है फिर से वही ट्रैफिक और सब फेस करते हुए। चलो 1 बज गए और हम लोग घर पे पहुंच गए, जोर की सुसु भी लगी है, कब से रोक के रखा है। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ एंड ड्राइव सेफ, बाय बाय।